है तो यही समझा जाता है कि चूल्हा चौका जो है उनकी जिंदगी होती है और जिंदगी उनकी थम जाती है शादी के बाद। ये जो कैटेगरी है मिसेस लैम आइकॉन की, ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगी कि अगर महिला की शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी उसने छोड़ दी है या कॉम्पिटिटिवनेस उसकी चली गई है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा और हमें महिलाओं को स्त्रियों को एनकरेज करना चाहिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आने के लिए। एक एनर्जी आती है और एक अरमान होता है दिल में फिर कुछ कर रहे हैं जो शादी से पहले आप करते थे, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बहुत ही ग्रैंड स्केल पे आज ये प्रोग्राम हुआ है, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बड़े अच्छे अच्छे उसमें कंटेस्टेंट्स थे और मैं ये कहता हूँ कि कोशिश ये की गई है कि सबको, जितने भी डिजर्विंग लोग हैं सबको कोई ना कोई जो है अवार्ड दिया जाए उनकी दिलजोई करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहरहाल बहुत ग्रैंड फंक्शन था, इसमें कोई शक नहीं है और ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए, ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए। जैसे ये कैटेगरी थी मिसेस ग्लैम आइकन की, इससे भी एक सीनियर कैटेगरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मिसेस सीनियर ग्लैम आइकन की, जिसमें 60 के अबव जो लेडीज हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो फिर क्या होता है कि जीने का अपना एक मजा होता है और महिला ये नहीं सोचती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं सीनियर सिटीजन हो गई हूँ या मैं शादीशुदा हो गई हूँ या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ घर की चार दीवारी है या बच्चों की एजुकेशन, उसके आगे भी दुनिया है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इससे पहले मिस्टर इंडिया मिस इंडिया ऐसे कॉन्टेस्ट होते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो मिसेस इंडिया का भी आया है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं ये कहूंगा कि आगे चलो बांग्लादेश। चलिए शाहिद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आज इंडिया से आप ये मिस्टर का खिताब लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनल आइकॉन का खिताब लेकर जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इंडिया कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या कुछ कहेंगे? जी सर, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप लोग इतने देर तक रुके और आपने रहा, तो ये जो मिस्टर मिस एंड मिसेस ग्लैम आइकॉन था मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना था। मुझे पता नहीं था मैं चैंपियन होऊंगा या नहीं, लेकिन वो 3 मास पहले ही जो ऑडिशन था वहाँ पर मैं लोगों के साथ हूँ, कुकिंग क्लास कर रहा हूँ, कुकिंग क्लास के बाद या जो फाइनलिस्ट पर सिलेक्ट हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब कोरोना के टाइम आया, ये जो वीसा का कुछ इश्यू है वो हमें टूरिस्ट वीसा नहीं मिलता, मेडिकल वीसा में कुछ इश्यू है, बहुत दिक्कत थी, मुझे लगा कि मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर है वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, उन लोगों ने बहुत मदद किया, उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सब पेपर एक्सेप्ट रेडी कर रहे हैं, आप लोग आइए। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजर है इस शो का, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेटिव था, इसीलिए आज जो मैंने यहाँ पर जीत पाए ये इन्हीं का क्रेडिट है और आप लोगों का भी है कि आप लोगों ने भी सपोर्ट किया। सो या मेरे लिए इंडिया से ये जीतने बहुत गर्व की बात है, लेकिन क्योंकि मैं एक दूसरे देश से आया हूँ तो बांग्लादेश के लिए नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली अबाउट साइड ऑन इट, ये कॉम्पिटिशन जीता एक बांग्लादेश से एक लड़का, मैं कहना चाहता हूँ मेरे नाम से भी बढ़कर वो देश का नाम अब आएगा कि बांग्लादेश से कोई आया और वो ग्लैम आइकॉन मिस्टर ग्लैम आइकॉन का अवार्ड जीता। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तो एक लड़के के जीतने से। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लुक स्ट्रेट या सबसे पहले तीनों का परिचय आपका नाम बारी बारी। हाय हाय सर, फर्चिशा एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। शिल्पा नाम है मेरा, मैं ड्रीम सिटी मुंबई से। आई एम डॉक्टर छाया कृष्णा निमसाकर फ्रॉम बद्रा थाने। क्या कहना चाहिए आज मिला आपको ग्राउंड के बारे में, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक्चुअली 3 टाइटल्स मिला, वन ऑफ देम इज द बेस्ट स्माइल, वन ऑफ देम इज
Mrs. Intelligent and first runner-up in the classic category. I'm very happy because I think Jo Mila, that I was deserving it. And this pageant was really a beautiful experience for all of us. And I'd like to thank Dr. Neelam and Sunita ma'am for arranging this beautiful pageant. Thank you. आगे बढ़ने के लिए कितना important रहता है ये life में? Ground. वैसे तो हम सभी अपने घर की रानियां हैं, लेकिन जब हम कभी इस पे ऐसे पेशेंट में आते हैं तो थोड़ा सा हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मसम्मान, ये सब बढ़ता है. बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं सेकंड राउंड को. इतने दूर तक आने का जो मकसद था वो मेरा पूरा हो गया तकरीबन. और इन फ्यूचर इससे भी अच्छा करूँगा और आगे लेके जाना चाहूँगा. ऑर्गेनाइजर्स के बारे में क्या, नीलम जी, सुनीता जी, उनके बारे में? नीलम जी व सुनीता जी दे आर ऑल गुड. वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे जजमेंट किए हैं. और मिस्टर मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल ग्लैमर को इससे भी ऊँचा चाहे. अभी आप खिताब जीत चुके हो, इतने घबराए क्यों? नर्वस क्यों हो? अंदर से अभी धड़कने तेज है, तेज है, तेज है और पैर भी दुख रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपका क्या किरदार रोल है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर नीलम जी, सुनीता जी के बारे में? जी बच्चन, सबसे पहले तो माई सेल्फ बबीता मान फ्रॉम बबीता डिजाइनर वेयर्स. आई थैंक यू मीडिया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कवरिंग अस. थैंक यू ऑल लवली पीपल. टॉकिंग अबाउट द शो, ग्रैंड सक्सेसफुल शो रहा, बहुत अच्छा लगा यहाँ के एज ए ज्यूरी मेम्बर आके. नीलम जी और सुनीता जी ने हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें से ये आज एक सबसे बेस्ट वाला मैंने भी अटेंड किया है. सो कमिंग अप जो इनके और भी शोज होंगे, माय बेस्ट विशेस टू देम एंड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स, फॉर ऑल द विनर्स. मे गॉड ब्लेस देम एंड दे ग्रो एंड शाइन मोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इंटरनेशनल ग्लैम से आप आई एम वेरी मच हैप्पी. मेरी दूर से आई थी सुनीता मैम, नीलम मैम ने मेरे को ये रस्ता दिया और तीन तीन टाइटल लेके गई हूँ, तो आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी. चंबल से आई थी, सोचा नहीं था कि क्राउन लेके जाऊंगी, लेकिन थैंक्स टू एवरीवन, इतना अच्छा शो रहा दैट आई लव मुंबई नाउ एंड चाहूंगी कि आगे भी. जी या आई एम फ्रॉम चंबल एरिया, तो वहाँ की मैं लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट डॉक्टर एंड गायनिक हूँ अपना. तो आई वुड लव कि चंबल विमेन जो अभी तक करती है कि मुंबई के अंदर ही, मतलब बिग सिटीज की लड़कियाँ ही केवल जा सकती हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि एवरीवन कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन विमेन. आप कुछ कुछ अपील करना चाहेंगे चंबल के लोगों के लिए कि आप खाली बंदूक नहीं उठाएंगे? आप बंदूक नहीं उठाएंगे, अपनी ब्यूटी, अपने हुनर से दुनिया को झुकाएंगे. विशाल भाई, विशाल भाई, थैंक यू सो मच. नाम इंटू यू आर रेडी? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम या हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली गांगोड़ा फ्रॉम नासिक. टुडे आई बी इन द प्लेस ऑफ इंडिया पीछे मैडम छोड़ डायरेक्टर ऑफ सुखकर्ता इनफर्टिलिटी सेंटर. टुडे आई बी इन द फेस ऑफ इंडिया क्राउन. थैंक यू. टुडे इंटरनेशनल ग्लैम आइकन इन प्लैटिनम कैटेगरी. I want I want to say everyone, chase your dreams. Age is just a number. Number, yeah. Hello, everyone. My name is Dr. Usha Kishankai, and I am the winner of the Mrs. Category, Mrs. International Glam Icon.
Marathon 2021, and also I am the winner of Woman of the World. Thank you so much. You जो सुनीता जी और नीलम जी हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? यहाँ देखिए सेंटर में, यहाँ देखिए बोलिए सेंटर में. हाय, आई एम राक्षी बासु. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस बाय प्रोफेशन एंड अ मॉडल बाय पैशन. सो आई हैव वन द अवार्ड ऑफ अपकमिंग सुपर मॉडल राइजिंग मॉडल. So I'm here to be a rising model and I'll soon be a super model. So I'd like to thank Sunita ma'am and Dr. Needham ma'am for giving me this award and opportunity to come to Mumbai. I'm from Nagpur. So it was a great experience coming here and receiving these awards. So thank you. Yes. Namaste everyone, I am Paru Daria and I am an English trainer. I won the award for the best English trainer and best personality and coach. Awaaz aa rahi hai? Yeah. Alright, so I am from Nagpur, Maharashtra and I have come all the way along from Nagpur to receive this award. I'd like to thank Neelam ji and Sunita ji for giving us this opportunity to receive this award from Raza Maral ji. And it feels great and I'll keep teaching, keep training people and leveling up their communication skills. Thank you so very much. So Paru, aap Nagpur se aayi hai to sankara ka well mere gaadi mein rakha hua hai, main aapko de di hoon thodi der baad. Yeah, to aap Nagpur aaiye aur santra khaiye. Basically I'm a singer, Bollywood singer. Wow. Working with all the playback singers, especially with Kumar san. Aap sabhi unse pyar karte hain. Thank you. क्योंकि मैं अक्सर क्या करती हूँ, ऑडियंस को एंटरटेन करती हूँ और आप लोगों का बहुत ध्यान मिलता है. सो थैंक यू सो मच. एंड इनके लिए कहना चाहूंगी और सालों से आप लोग सुन रहे हैं कुमार शानू का क्लिप दिखा द ओनर एंड फाउंडर ऑफ प्योरफिल कॉस्मेटिक क्लिनिक. आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ वेलनेस एक्सपर्ट. आई एम अवार्डेड इन मिस्टर मिसेस इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन एज बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड वेलनेस एक्सपर्ट. एंड आई थैंक नीलम पराडिया एंड सुनीता भगत फॉर अवार्डिंग मी एंड एक्नॉलेजिंग माई वर्क. सो थैंक यू टू दिस इवेंट एंड थैंक्स फॉर uplifting women and giving women empowerment. Thank you so much. Good evening everyone. I is an important part of life. I is an important part of smile. I wanted to be part of both a beautiful life and a beautiful smile. So here I am, Reema Puri with an I. I'm an entrepreneur by profession and I'm based in the Millennium City, Gurgaon. Yeah, so I came to know about this wonderful pageant and I'm thoroughly and big time thankful to Dr. Neelam Paradia and Sunita Bhagat ji for giving me this amazing platform. I'm so thrilled and ecstatic, feeling on top of the world and living every moment. Thank you so much for the honor. Thank you. Yeah. Hi, I'm Manisha Singh from the Center of Health and Human I came from Jaipur. इस जर्नी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मिस्टर आई एम रियली थैंकफुल. वो मेरा बचपन का सपना था, वो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पूरा कर पा रही हूँ. मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि मम्मा एक बार जाओ, मुझे आपको स्टेज पे देखा जो आप कॉलेज टाइम पे करती थी, वो मुझे अभी ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन? आयोजक दोनों आप क्या आज आजू बाजू में बैठे हुए क्या कुछ कहना चाहोगे पूरे अवार्ड शो के? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई एम वेरी थैंकफुल फॉर नीलम जी एंड सुनीता जी, उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मेरे को. एंड सो वेरी गुड. श्री सेतु अरोरा
कि जो हम इतनी सुंदर दिख रहे हैं इसका जो राज है वो है नीतू अरोड़ा जी. सो प्रिटी फ्लाई दिस इज देयर ब्रांड नेम एंड शी हैज डॉन्ड अप ऑल ऑफ अस ओवर हियर. सो ऑल द क्रेडिट फॉर द ब्यूटीज गोज टू नीतू अरोड़ा. सुनीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? आप काफी खूबसूरत लग रही हैं. ये सब इनकी वजह से है. हमारे जितने कंटेस्टेंट हैं प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं. सबको इन्होंने सजाया, सबका मेकओवर इन्होंने किया. तो को बांग्लादेश से आप यहाँ पे इंडिया में आए हैं और बहुत अच्छा ड्रेस भी रहा आपका. ये भी रहा मेरा बैग. जी जी जो प्रॉप्स थे वो तान्या बहाग जी के डिजाइन. ओके कैसा रहा एक्सपीरियंस दोनों ये शो के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन के लिए? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई इंटरनेशनल फैशन शो लाइक दैट. सो It's a new experience for me and I am so happy. I want to thank Neelam ji and Sunita ji to give me the chance to present my products and I want to internationally establish my brand Tan. So please everyone pray for me. Thank you. सुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक ब्रिज का काम किया इन्होंने, आपने बांग्लादेश और हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया. क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस इनके साथ आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. हमको बहुत कॉपरेशन मिला. इनफैक्ट सुमन जी जो यहाँ आ नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफर होने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए. तो सुमन को से मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहेंगे. ऑल्सो दी अदर डिजाइनर्स रोजान जिन्होंने हमें नीलम लाइफ स्टाइल एंड लॉरेटो जो ब्रांड्स ने हमारे लिए कपड़े भेजे. डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन बांग्लादेश दे हैव सेंड देयर डिजाइनर वेयर्स हियर फॉर एवरीबॉडी टू वेयर एंड वॉक द फैशन शो रैंड. So thank you so much Neelam Lifestyle and Tanya Wahab ji unke representative ke tarah aaye hai Bangladesh ko hamari country mein leke aaye hai. We are very very thankful to you and we are welcoming you. We all Indians here are welcoming you again to our country very soon. Thank you so much. Sunita ji but humne bahut aapko miss kiya kyunki ye aaye hain aapki wajah se. Tanya thank you, aapne bahut support, aap jis tarah hamare saath rahi lagayi nahi aap dusre shehar se hamare sath aaye hain. Bilkul bahut support kiya. Thank you, thank you very much. जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सक्सेस इवेंट के लिए और खास करके भारत और बांग्लादेश के जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिला उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको. क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा शो और क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? हमने बहुत एक सक्सेसफुल शो किया अभी फरवरी में ही 2021 इंडिया ग्लोबल क्वीन. और उसके सक्सेस के बाद हमने तभी आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ और नया करेंगे और इसलिए हमने ये नए कंसेप्ट में इंडिया और बांग्लादेश को जुड़ने का काम किया है. वी ऑल्सो हैड डिजाइनर फ्रॉम नेपाल. सो इट इज बेसिकली दैट वी आर डूइंग एन अमलगेमेशन फॉर नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल इंटीग्रेशन कि हम सब एक है और हम सब साथ में मिलकर कुछ नया कर सकते हैं. हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मिस्टर के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ थे लेकिन मिस के कुछ पार्टिसिपेंट्स आ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वीजा प्रॉब्लम और उनकी वजह से इस बार वो आ नहीं पाए लेकिन वो बहुत जल्दी बहुत सून उनको हम मिलेंगे वेरी सून इन 2022 बाय द फरवरी. ओके सुनीता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे सक्सेस इवेंट के लिए और कैसे कर लिया आपने? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दोनों ने इतना अच्छा एक पेजेंट ऑर्गेनाइज कर सके हम क्योंकि इनके बिना सपोर्ट के शायद ये पॉसिबल नहीं था. सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आया और वो लोग देख रहे हैं कि एक वुमेन दो वुमेन होके एक पूरे देश को एक साथ लाने को इकट्ठा करने को जो हमने कोशिश किया है और उसमें हम कामयाब भी रहे हैं और सचमुच इवेंट बहुत अच्छा हुआ है. सब हैप्पी होके हंस गए हैं. बांग्लादेश का एक हमारे विनर होके गया है जो कि बहुत टैलेंटेड है जो यूएस में वो फुटबॉल खेलता है. मतलब मेनी क्वालिटीज मैंने उसके अंडर है तो इसलिए वो यहाँ से विनर हुआ है. अरूप भी जो मिस्टर कोलकाता से आए थे वो फर्स्ट रनर अप हुए हैं. तो सर सभी कुछ ना कुछ यहाँ से ले गए हैं. सबको हमने खुश किया है, कोशिश की है कि कोई नाराज ना हो. बहुत सारे डॉक्टर्स रहे हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स. नीलम जी कुछ ऐड ये करना चाहेंगे कि कौन किस में किस कैटेगरी में विनर हुआ, थोड़ा विनर्स के बारे में जानकारी? हमारे विनर्स बहुत अलग अलग फील्ड से हैं. डॉक्टर्स विनर्स है, हमारे कॉलोनल विनर है जो आर्मी ऑफिसर है. क्योंकि क्या है कि एक वुमेन अलग अलग रूप में भी सक्सेसफुल हो सकती है. हाउसवाइफ भी हमारी विनर रही है तो हम इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए साथ में काम कर रहे हैं. और रजा मुराद जी ने आपको शुभकामनाएं दी आए आपके यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? थैंक यू सो मच रजा मुराद जी कि आप आए. द
खड़े दिल से मैं सुनीता रजा मुरादपुर जी ने बहुत सपोर्ट किया एंड तक हमारे साथ रहे, हमसे पूछ कर गए कि और भी कुछ बाकी है, इतने बड़े सेलिब्रिटी अगर इतना बोल के जाते हैं तो थैंक्स टू अभी उनका साथ दे रही थी तो कैसा रहा एंकरिंग का और कैसे है वो नेचर वाइज, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमन जी के बारे में? अमन जी बहुत सपोर्टिव है और वो कोलकाता जब आए थे एक फैशन शो में तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो इतना अच्छा मतलब इन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एकदम इजीली फैमिली की तरह, बहुत मतलब कॉमेडी भी करते हैं हर कुछ, उनके एंकरिंग मतलब थोड़ा अलग हटके होती है, मुझे बहुत पसंद था तो मैंने उनको इन्वाइट किया और बहुत खुशी के साथ आया और उन्होंने मुझे याद भी रखा था, मतलब इतने अच्छे सेलिब्रिटी इतने अच्छे एंकर, वो सबको मतलब साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा कंटेस्टेंट नहीं, जितना उन्होंने विनर को प्रायोरिटी दी है उतना उन्होंने सब टाइटल को भी दी है। सो थैंक यू अमन वर्मा जी, स्पेशल तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इवेंट की और चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। इस शो को लेके इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन कैसे जुड़े थे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोजक के बारे में और शो के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर नीलम जी और सुनीता जी जिन्होंने ये इंटरनेशनल पेजेंट होस्ट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ के जूरी बन के सबको जज करने की। बट इतना फेबुलस शो रहा है, इतनी पॉजिटिविटी थी शो में कि जितने भी लोग आए थे पार्टिसिपेंट्स थे इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया पॉजिटिव ऑरा के साथ, आर्मी बैकग्राउंड से, डॉक्टर बैकग्राउंड से, बिजनेस वुमन, हाउस वाइफ्स, एज इज जस्ट अ नंबर, ये शो बता देता है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, अमन जी ने जो होस्ट किया वो तो मतलब उनके बारे में आप क्या ही कहेंगे, वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन एंकर है, और रजा मुराद जी जिनके मूवीज़ में बड़ा हुआ हूँ देखते देखते, तो वो भी बहुत अच्छे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत सारा प्रोत्साहित किया शो के लिए। और अभी मेरी भी कुछ अपकमिंग मूवीज आ रही है, दो मराठी मूवीज़ है जो एक रणसंग्राम और एक पुणे 32, जिसमें अभी मेरा काम आपको देखने को मिलेगा, और 28 तारीख को या 29 तारीख को मेरा एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च भी है जो अमास साथ में प्रमोशन भी कर रहे हो, तो ये सब कुछ अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो अभी थोड़ा समझ लो। और आप जूरी भी रही है, जज भी किया लोगों को आपने, कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन, और आपके बगल में बैठी हैं आयोजक नीलम जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी चेतना, इनके बारे में जितना कम बोले वो कम पड़ेगा, बिकॉज इतना सब कुछ अपने प्रोफेशन, बिकॉज मैं भी डॉक्टर हूँ वो भी डॉक्टर हैं, तो हमारा प्रोफेशन वैसे ही बहुत बिजी होता है, उसके बावजूद इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, पहले फरवरी में किया था तब भी मैं ज्यूरी बन के आई थी थैंक्स टू हर, एंड अभी इंटरनेशनल किया तब भी मैं ज्यूरी बन के आई हूँ, सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस, एंड आगे भी जुड़ना चाहूंगी इस पेजेंट के साथ एज ज्यूरी, इस बार तो मैं शो पर भी आई हूँ एंड ये अवार्ड भी मिला है उसका मुझे, सो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर नीलम परादिया एंड सुनीता मैम ऑल्सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और शी इज ऑल्सो मिसेस यूनिवर्स, वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ हर। मैंने कई पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और हाल ही में मिसेस यूनिवर्स कैमरा बनाया था, और जो चाइना में हुआ था चाइना में, तो और उसके बाद फिर अभी तो पानी भर गया पानी, तो इन्होंने पेजेंट किया पोस्ट कोविड एंड दुनिया में जो इतना गुमसुम हो गया था माहौल उसमें थोड़ी रंगीन या कॉल करिए तुम कॉल करिए एक बार कॉल करो उसको कॉल करो हम अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो जाते कि हम इस रंगीन दुनिया में आने के ख्वाब देखते हैं, हमारे सर पे ताज हो ये हर लड़की का ख्वाब होता है और कहीं ना कहीं हम वो पूरा करना चाहते हैं, तो हमने अपनी जीवन अपना जो पैशन है वो हमने जिया है, हमने कई राउंड्स जीते हैं, और हम हर एक को यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी टाइम पे ये अपना पैशन पूरा कर सकते हैं। मेरा मोटो जो है पर्सनल वो है इट्स नेवर टू लेट, किसी भी टाइम आपको ख्वाब अपना पूरा करना कर सकते हैं, चाहे आप 20 साल के हो 40 साल के हो, मेरी जर्नी 44 इयर्स के पास शुरू हुई है। दो यंग खूबसूरत लड़कियां आपके आसपास बैठी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनके पीछे हंसने का क्या राज है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेरी डॉटर है ध्वनि परागिया और ये उनकी पार्टनर है अक्षिता वेले, ये दोनों लड़कियां अभी पढ़ रही है, उसके साथ साथ निफ्ट की स्टूडेंट है, NIFT निफ्ट की स्टूडेंट है बैंगलोर की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने खुद की ब्रांड चालू की है डाड़ा, एंड दे आर ऑल्सो द ऑफिशियल स्टाइलिस्ट ऑफ आर पैजेंट, सो दे हैव अ ब्रांड बाय द नेम डाड़ा अपैरल,
तो इतनी छोटी उम्र में इतना सब अचीव करना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चे इतने आगे आए हैं। तो मैं उनसे कुछ ध्वनि आप कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे मम्मा के बारे में, इस इवेंट के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और इतना अच्छा पैजेंट गया है। हमने जो भी स्टाइलिंग टिप्स दी थी कंटेस्टेंट्स को कि एयरपोर्ट पे ये पहन के आओ, ऐसे स्टाइल करना है, ज्वेलरी एक्सेसरी, सबने उसे समझा है, उसे यूज किया है सारे टिप्स को। तो मैं बहुत खुश हूँ ये इवेंट ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, मैं अभी भी ऑनलाइन क्लासेस आज पैजेंट के टाइम पे भी अटेंड कर रही थी। तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है कि मैं अपने ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकी। इतना कवरेज भी कर रहे हो आप, इतना सबने मुझे बोला है कि अच्छे कपड़े हैं, ये है वो है, आशीर्वाद दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इससे ज्यादा मैं खुश हो ही नहीं सकती। डिजाइन इन्होंने ही किए हैं, जो मैंने आज जितने भी कपड़े पहने हैं सारे इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। ध्वनि आपको अवार्ड भी मिला है किस बात के लिए? और तो ये मैं और मेरी पार्टनर अक्षता विवेक स्टाइलिंग रूमर्स थे, हमने सारे कंटेस्टेंट्स को स्टाइल किया है, उनके फैशन टिप्स दिए हैं, उन्हें पोजेस के बारे में बताया है, तो इसीलिए हमें ये अवार्ड दिया गया। अक्षता कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे थे मन ही मन। जी अक्षता, मुस्कुराने की तो बात है, इतना अच्छा सब गया है। हमने काफी टाइम पहले से प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई थी, एक महीने पहले हमने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी सब कंटेस्टेंट्स के साथ, और वो भी बहुत अच्छी गई थी। उसके बाद परसों भी हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, वो भी बहुत अच्छी गई, सबने बहुत उससे सीखा और हमें बहुत फीडबैक भी दिया, बहुत अच्छा गया। आज एंड एज यू कैन सी एवरीबडी वाज जस्ट रियली वेल, तो वी कैन सी कि हमने जो उनको टिप्स दी थी, ट्रिक्स बताई थी, उन्होंने सब दे इनकॉर्पोरेटेड दैट इनटू देयर सारे फैशन पोजेस थे वो इन्होंने सिखाए थे, और आज भी हम अपना ही ब्रांड पहन रहे हैं। तो फोन को उठा रहे तुम, अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ दादा अपैरल। थैंक यू सो मच। कैमरा दे दिया घर पे, सुबह सुबह लेके आ जाना दादा। ध्वनि अक्षता, ध्वनि अक्षता। I want to prove that age just the number. And Dr. Deenam and Sunita ma'am, they had given this spectacular, wonderful light to all beautiful ladies. Last year, I won the platinum category crown in this pageant. Mrs. India Global Queen, which has been held in the month of February 2021. So now again, I went to international pageant at Dubai and I won there Mrs. Asia International 2021 and again Humanity Ambassador and Timeless Beauty. And so Neenam just now announced me as a role model, because I came here to prove that age is just a number, there is no any bar to prove your talent. Thank you.